मैं सदस्यों से कहूंगा, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पर जब विज्ञापन की बात आई तो आप और हम सब रोज देखते हैं अखबार का पहला पेज कोचिंग, सेकंड पेज कोचिंग, थर्ड पेज कोचिंग। इतना भारी खर्चा कहां से आता है? उस छात्र से आता है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है। नंबर दो, मैं सदस्यों को से आग्रह करूंगा, इस पर सुझाव दीजिए, सीमित दायरा है कोचिंग का, जहां आवश्यकता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें डाल रहे हैं। ये एक ऐसा साइलो हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। तो आज के दिन सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आगे के मार्गदर्शन की बात करनी चाहिए। ये घटना दुखद है, पर इस घटना जो लोग तीन गए हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी यदि अगर इस सदन में हम सुझाव देंगे कि हमारे देश के नवयुवकों को कितने मौके हैं, किन किन जगह मौके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं इसरो गया मैं आश्चर्यचकित रह गया, वहाँ कोई IIT का नहीं था, कोई IIM का नहीं था, सब गांव के थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। यदि अगर हम डी साइलो नहीं करेंगे समस्या होगी। तो सुधांशु जी, मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑल्सो। हम सजने के लिए हमारे YouTube चैनल